सब्सक्राइब करिए और उस घंटी को भी दबा दीजिए लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट और क्रिकेट से जुड़ी हुई हर बातों के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो आ रही है शिखर धवन के ऊपर। यहाँ से जो शिखर धवन है वो बाकी के बच्चे मैचेस श्रीलंका के दौरे में नहीं खेल पाएंगे, और वो क्यों आगे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे लाल कलर के बटन को दबा के, और उस घंटी को भी दबा देना ताकि आपको जो है रोज़ाना क्रिकेट और आईपीएल से खबरें मिलती रहे बिल्कुल मुफ्त में। तो दोस्तों, बात करते हैं शिखर धवन की। तो शिखर धवन जो है वो श्रीलंका दौरे में काफ़ी बढ़िया फॉर्म में थे, टेस्ट में और वनडे में उन्होंने मतलब बहुत सारे रन बनाए थे, लेकिन अभी शिखर धवन जो है अपने देश इंडिया वापस चले गए हैं और बाकी के बचे मैचे श्रीलंका के दौरे में धवन नहीं खेल पाएंगे। दोस्तों, दरअसल ये पूरा माजरा क्या है कि जो शिखर धवन की मम्मी है वो कुछ समय से बीमार थी, और जो अभी जो है शिखर धवन अपनी मम्मी को देखने के लिए जा रहे हैं इंडिया वापस, तो इसी के लिए जो है धवन बाकी बचे मैचे श्रीलंका के दौरे में नहीं खेल पाएंगे। दोस्तों, बीसीसीआई ने एक स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट उन्होंने बताया था कि जो धवन की मम्मी है अभी वो फिलहाल रिकवरी कर रही है, अभी वो मतलब पूरी तरीके से ठीक हो गई है, और उन्हीं को देखने के लिए शिखर धवन इंडिया वापस चले गए हैं, और जो बाकी बच्चे मैसेज जो है श्रीलंका के दौरे में वो धवन नहीं खेल पाएंगे। तो बात कर लेते हैं मतलब श्रीलंका के दौरे में कितने मैचेस बचे हैं। तो अभी इंडिया को जो है अपना फिफ्थ वनडे खेलना है श्रीलंका के साथ, और जो है 6 तारीख को जो है मतलब 6 सितंबर को जो है इंडिया का जो है इकलौता T20 मैचेस है श्रीलंका के साथ में। तो बात करते हैं इंडिया के ओपनिंग बैट्समैन जो रोहित शर्मा है उनका साथ कौन देगा। तो दोस्तों, ऐसे में दो चॉइस इंडिया के सामने आते हैं, एक जो है अजिंक्य रहाणे और सेकंड जो है केएल राहुल। पहले बात करते हैं अजिंक्य रहाणे की। तो अजिंक्य रहाणे जो है वो मैन ऑफ द सीरीज़ थे वेस्टइंडीज़ के दौरे में, जहाँ उन्होंने बहुत सारे रन बनाए थे, तो उनको जो है मौका मिल सकता है ओपनिंग क्रम में। और बात करते हैं केएल राहुल की। तो केएल राहुल का फॉर्म टेस्ट मैच में काफ़ी बढ़िया था, लेकिन वनडे में उन्होंने अपने आप को अभी तक साबित नहीं किया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।